भाई कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। हमारा ये नालायक भी ठीक है, बच्चा हमारा सुखी भी ठीक है। एंड आई होप आप सबके बच्चे भी खुश खुश रहें, आप लोग भी खुश खुश रहें। एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाह रही थी, मतलब एक बात आ रही थी मेरे मन में। हमारा जो टिक्कू है ना, उसको मैंने अक्सर देखा है हर मोटरसाइकिल के साथ। वो मतलब कोई भी बाइक वाला अगर वो निकालता है कॉलोनी से, और वो ना पीछे पीछे दौड़ता है उसके बहुत बुरी तरीके से, मतलब काटने के लिए या वैसे। तो कई बार देखा है मैंने कि लात मार देते हैं, कुछ उठा के मार देते हैं उसको। तो पहले तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डॉग्स को। टिक्कू ने 2-3 बार एक्सीडेंट देखा है, छोटे छोटे पिल्लों को मार के कुचल के कोई चला गया। बुरा का एक्सीडेंट हो गया था, एक बाइक वाले ने चढ़ा दिया था। बुरा अभी ठीक है, माता जी ने उसके पैर को बैठवाया था। वो उस समय वो चल वल नहीं पा रहा था। रेयत ने उसको क्रेप बैंडेजिंग की थी, तब वो छोटा पपी था। मेरे एक सर हैं, वो आते हैं, वो हमेशा भूरा को देख के बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता नहीं था कि भूरा कभी अपने पैरों पे चल पाएगा, बट वो दौड़ता है, वो ठीक है, वो मतलब उसका पैर वो ठीक हो गया। तो पहली चीज एक अवेयरनेस है कि डॉग गाड़ियों के पीछे शौक में या काटने के लिए नहीं भागते हैं। उनके परिवार का कोई मेंबर कुचल जाया चुका होता है, उनके फ्रेंड सर्कल का कोई बच्चा शिकार हुआ होता है किसी बाइक या किसी कार का, इसलिए वो पीछा करते हैं। ये मतलब ये मैंने फील किया है टिकू वाले केस में स्पेशली। तो जब भी रोड से आप लोग जा रहे हैं, आपकी जल्दबाजी का शिकार किसी और बच्चे को ना होने दें प्लीज। इसका ध्यान रखें कि उनकी भी फैमिली है, उनके भी फ्रेंड्स हैं। और आप ये भी सोचिए कि उनको कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता, उनके हाथ पैरों का फ्रैक्चर किसी को दिखाई नहीं देता, वो दर्द में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कढ़लते रहते हैं। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा शेयर करिए कि क्यों ऐसा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सच में केपेबल हैं, क्षमता है आपकी, और आपके आसपास कोई ऐसे डॉग्स आपको नजर आते हैं जो अपाहिज हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं, काफी बुरी कंडीशन में हैं, और अगर आप मदद कर सकते हैं, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगी। ओके वो दिल्ली का है, बट इसी तरीके से गूगल पे आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। दिल्ली के एरिया का मैं आपको भेज दे रही हूँ, क्योंकि वहां मैंने विजिट किया है तो मुझे उसका पता है। बहुत इकोनॉमिकल होता है डॉग्स के लिए। मैंने बहुत सारे डॉग्स को वहां पे वीडियोस देखे थे। उन्होंने आर्टिफिशियली छोटे छोटे से हाथ पैर बना के अटैच पहनाने के लिए उनकी नाप के हिसाब से दिए थे। जो प्री वीडियो है और पोस्ट वीडियो है ना, डॉग की खुशी आप समझ सकते हो। तो अगर आप इतने कैपेबल हैं तो प्लीज डोनेट कर सकते हैं आप हाथ पैर, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अपने आसपास के शहरों का आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा 2-3 बार का एक्सपीरियंस है जहां पे मुझे ये समझ में आया कि ह्यूमंस जो हैं वो डॉग्स को, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे के सारे, बहुत सारे तो बहुत प्यार करते हैं बच्चे के जैसे, एकदम उनके लिए जान होती है। बट बहुत सारे लोग हैं जो, मैंने पहले भी एक बार इसका जिक्र किया था, शोकेस की तरीके लेके आते हैं, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनकी छोड़ाते केयर करना वो जरूरी नहीं समझते, उसको छोड़ देते हैं, एज इफ कि कोई सामान को डिस्कार्ड कर रहे हैं अपने घर से, पुराने सामान को। तो प्लीज डोंट डू दिस। हमारे एक पुराने वाले घर के पास में एक आंटी थी, मैं बहुत छोटी सी थी तब, सुमो आई थी तब की बात है। एक क्या नाम था उसका, लिली मैगी कुछ नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, शायद लिली था। हमने ही कुछ नाम रखा था उसका। एक छोटी सी ब्लैक कलर की बेबी थी, और उनसे हमने रिक्वायर, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि वो रख लेंगी, ठीक है। पता नहीं वो कहाँ से आ गई थी, और उन्होंने कहा वो हमें मतलब वो उसे रख लेंगी। उन्होंने 3-4 दिन उसे रखा, उन्हें कुछ महसूस हुआ कि उसके पैर जो है वो टेढ़े पड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें बुलाया, और हमें बोला कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके पैर टेढ़े हो रहे हैं। रियत इतना छोटा था उस समय ना, हम उसने बोला आंटी को, जितनी हमें नॉलेज थी हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि अगर इसे मिट्टी में चलाएंगे ये ठीक हो जाएगी। इवन टाइसन के भी छोड़ने का रीजन पता है क्या है, यही है। टाइसन के पैर, वो इतना सुंदर है, वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसके पैर जो है वो
टेढ़े हो गए हैं थोड़े से आगे वाले, है ना। तो इस वजह से उसको दो जगहों से निकाला गया। तो ऐसा ना करें, मतलब डिसेबिलिटी किसी को भी किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी जानवर के साथ अपने खुद के बच्चे के साथ करेंगे, खुदा ना खास्ता आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। मतलब मैं ये उनको नहीं कह रही हूँ जो ऐसे हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, पर ये उनके लिए है जो ऐसा करते हैं। उनके साथ आप शेयर करिए, कोई भरोसा नहीं है कल को आपका एक्सीडेंट हो जाए और वो लोग ऐसे जो लोग करते हैं और वो ऐसे हो जाए। तो मतलब प्लीज शेयर दिस। तो ये मैंने दो तीन बार एक्सपीरियंस किया। और अभी मैं देहरादून में जब थी लास्ट टाइम, तो एक पोमेरियन थी, बड़े प्यार से उन्होंने रखा, काफी हाई प्रोफाइल लोग थे और बहुत केयर कर रहे थे। मतलब हम मुझे ऐसे लगता था अरे वाह कितना केयर कर रहे हैं, हमारे घर के बच्चों के जैसे रख रहे हैं बिल्कुल। बट सडनली वो बेचारा जब 6-7 महीने का पपी था, वो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया। घर से वो निकला और बाइक वाले ने, तो उसके पीछे वाला टांग जो है उसमें इस तरीके का मल्टीपल फ्रैक्चर आया कि जो कि पूरी तरह से ठीक होना, हील होना वाज नॉट द ऑप्शन। डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी तो पूरी तरह से तो नहीं होगा। तो उन्होंने उसको एक समान की तरीके बोला कि हम मतलब आपने 6-8 महीने उससे प्यार ही नहीं हुआ आपको, 6-8 महीने वो इमोशनली अटैच ही नहीं हो पाए कि जस्ट एक कमी, वो भी आपकी गलती की वजह से, मतलब उनकी गलती की वजह से कि उन्होंने उसका बच्चे का ध्यान नहीं रखा और वो कैसे निकल गया और उन्होंने उसको छोड़ना बेहतर समझा। हमने उसे अडॉप्ट करा दिया था, वो खुश है, अच्छी जगह पहुंच गया वो। बट कैसे हिम्मत हो जाती है ऐसे लोगों की। मैं उन ऐसे लोगों को समझाना चाहती हूँ कि वक्त है, अपने अंदर के इमोशंस को जगाइए। डिसेबिलिटी जैसी चीज किसी के साथ भी हो सकती है, मुझे भी है एक डिसेबिलिटी, वीडियोस में शायद थोड़ा थोड़ा नजर आया होगा, सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। मतलब मुझे इसका आइडिया है थोड़ा कि व्हाट यू एग्जैक्टली फील इनसाइड योर हार्ट, कि जब आपको कोई अलग तरीके से डील करता है या आपको अलग नजरों से देखता है, भले उन बच्चों में मतलब डॉग्स में इतनी समझ नहीं होती है कि उनको किस तरीके से डील किया जा रहा है, बट इतना जरूर समझ में आता होगा कि पहले एक एक्सीडेंट के पहले वो ठीक थे, अचानक से एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। वो एक तो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रहे और ऊपर से ऐसे लोग जो ये डिसाइड कर पाते हैं दिल पे पत्थर रख के कि हम दूसरा ले आएंगे सुंदर सा और इसको छोड़ देते हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको भी शायद आपके बच्चे बदल दें कभी। ये आप बूढ़े हो गए, अब आप घर के काम नहीं कर सकते, अब आप किसी लायक बच्चे नहीं है, इसीलिए ऐसे लोग ओल्ड एज होम पहुंचते हैं एक दिन, ठीक है। सो प्लीज एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा टैम्परिंग की जरूरत होती है अगर जो लोग थोड़ा डिसेबल होते हैं, जो बच्चे थोड़े डिसेबल होते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। मैं एक एड्रेस लिंक में नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आपको अगर कोई नीडफुल है, किसी को आपको सजेशन देना है किसी के डॉग्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशान भी हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके अगर वो किसी हादसे का शिकार हो गए होते हैं। तो हमारा शेरू था, हम बहुत परेशान हुए थे उसके लिए। 3-4 बार हमने उसको प्लास्टर कराया था और पता है वो, लेकिन हम वो ज्यादा लाडला हो गया था हम सबका, क्योंकि 3 महीने तक शायद उसका वो प्लास्टर रहा था, हालांकि पूरी तरह से हील नहीं हो पाया था वो। बट चूंकि उसे कभी नहीं फील हुआ होगा हमारे घर में कि वो डिसेबल है या वो कम सुंदर हो गया है, और सुमो कहाँ इतनी सुंदर है और वो कहाँ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इवन दो जब घर में कोई आता था ना तो वो ऐसे दिखाता था मेरा हाथ देखने आया है। सो मतलब इनमें बहुत मासूमियत होती है, बहुत मिलेगी। तो आप भी गब्बर पूरा वीडियो कैमरा हिला रहे। अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा केयर अटेंशन नहीं मांग पा रहा है तो उसे इग्नोर ना करें ऐसे लोगों से। मैं ऐसे लोगों से कोई नफरत नहीं रखना चाहती हूँ, बट मैं सच में उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर की जो इंसानियत थोड़ी दब रही है जिसकी वजह से ऐसे लोग ऐसा बिहेव कर पाते हैं, उसको थोड़ा जगाइए। अगर ये आपके अंदर इंसानियत नहीं जगा पाए ना, क्योंकि इनसे बड़ा तो कोई इंसान ही नहीं है। इधर आ, ये हमारा वाला बादशाह से, हालांकि हमारा वाला राक्षस है। देखो देखो, आज इसकी कुतई
क्या करेंगे आज इसकी पिचकी होगी आपको। अरे तो प्लीज ऐसे लोगों को समझाइए कि ऐसे पाप ना लें, अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करें, बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ईश्वर बहुत कुछ देगा। थैंक यू जी, बाय जी, बाय। मालिन मैम ने बोला बहुत इनोसेंट आंखें हैं चूहे की, बहुत इनोसेंट आंखें हैं। ये देखो देखो देखो, खाली कटोरे से लड़ रहा है वो गब्बर से, खाली कटोरे से लड़ ले रहा है नहीं, उसमें कुछ कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो गब्बर को दिखा रहा है कि देख देख मेरे पास है, गब्बर का भरा रखा है कटोरा, देख मेरे पास है, देखो देखो देखो।